हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माय सेल्फ मंदीप पाटीदार। हम डिस्कस कर रहे हैं ड्रग स्टोर इन बिजनेस मैनेजमेंट, टॉपिक 7, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इवोल्यूशन एंड कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। इसका आज हम करेंगे पार्ट 3। रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, आज डिस्कशन होगा इवोल्यूशन ऑफ अ फार्मासिस्ट और कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस रहेगा आपका आरएम मेहता की बुक है। आप में से जो भी चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। अब इवोल्यूशन ऑफ फार्मासिस्ट हम बात कर सकते हैं। हम किसी व्यक्ति का हमको इवोल्यूशन करना है तो एक पर्टिकुलर शीट चाहिए, एक आपका जो सिस्टमेटिक चेकलिस्ट चाहिए कि जिसपे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन का इवोल्यूशन करेंगे। अब इवोल्यूशन करने के लिए, मानने के लिए, एक फार्मेसी है, वहां पर हमने नेम ऑफ एम्प्लॉई, इस तरह का एक चार्ट, इस तरह की एक डाटा शीट रहती है। शीट पे आपका जो फार्मासिस्ट है उसका इवोल्यूशन होता है, आपकी जो पर्टिकुलर फार्मेसी उसका नाम, उसमें आपका जो एम्प्लॉई है वो नाम, एम्प्लॉई की एज, उसी के साथ उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है और उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसको एक्सपीरियंस कोई है या आपके यहाँ कितने का है, ये डाटा रहेगा। फिर उसके बाद उस फार्मासिस्ट का हम इवोल्यूशन करेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी डे टू डे वर्किंग वो किस तरह से करता है। उस डे टू डे वर्किंग को हमने 10 पार्ट में डिवाइड करा है। उसके बाद इसमें कुछ और भी चीजें ऐड हो जाती है, जैसे उसका टाइमिंग क्या है, ऑन टाइम पे आता है या नहीं आता है, या छुट्टियां कितनी लेता है, ये जो सब चीजें हैं, ये सब चीजें भी आपके इंक्रीमेंट और इवोल्यूशन पर डिपेंड करती है कि भाई ऐसा तो नहीं है, रिस्पॉन्सिबल कितना है। पता पड़े एक महीना है आपके पास, 4 छुट्टियां आपको या 5 छुट्टियां मिल रही है, उसी के साथ आप 10 छुट्टी और मांगते हो, तो दिखता है कि आप आपकी जॉब के प्रति कितने रिस्पॉन्सिबल हो। तो ये सब चीजें भी नोटिस की जाती है। उसी के साथ पहला पॉइंट रहता है अपीयरेंस, दूसरा पर्सनैलिटी, आप किस तरह से दिखते हो, आप किस तरह से कपड़े पहनते हो, आप सारी चीजें जो रहती है, आपका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द जॉब, ये सारी चीजें देखी जाती है। उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो सारी चीजें नोटिस की जाती है। फिर अलर्टनेस एंड प्रॉम्प्टनेस टू डीलिंग विद द कस्टमर, जब कस्टमर आएगा तो आपकी अलर्टनेस क्या है। ऐसा नहीं कि ले जी आप बैठे हो, कोई कस्टमर आके काउंटर पे खड़ा हो गया, फिर आप धीरे से उठ के जा रहे हो, फिर उससे बोल रहे हो हाँ, फिर वो कुछ बात कर रहा है तो उसका जवाब आप आपस में ही बात कर रहे हो, उससे कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। तो ये क्या है कि आपकी जो अलर्टनेस है और प्रॉम्प्टनेस है उसको देखा जाता है, किस तरह से उस पर मार्किंग की जाती है। ठीक, कर्टसी एंड एटीट्यूड टुवर्ड द कस्टमर। अब भाई जैसे आपके पास कस्टमर आया तो आप उससे कहते हाँ, या फिर उसको बोलते जी सर, मतलब आप किस तरह से उससे बात करते हो। ठीक है, आपका एटीट्यूड क्या है पर्टिकुलर कस्टमर के लिए, वो चीजें भी देखी जाती है कि आपसे ऐसा तो नहीं है कि आप रूडली उससे बात कर रहे हो कस्टमर से और कस्टमर बोल रहा है बोले यार इसके यहां से दवाई नहीं लेना। फिर आप यदि देखेंगे इसके बाद आपने कटसी देख ली उसकी, किस तरह से वो कस्टमर से बात कर रहा है। फिर पर्सनल एक्विडेंस विद द कस्टमर, आपकी जान पहचान कैसी है कस्टमर से, आप किस तरह से जान पहचान करते हैं, या कोई जान पहचान वाले कस्टमर आपके पास आते हैं क्या, वो चीजें भी नोटिस की जाती है। क्योंकि इससे क्या होता है, मानने के लिए आपका कोई कस्टमर है जो आपसे आपको पहचानता है और वो बाहर का प्रिस्क्रिप्शन अंदर फार्मेसी में लेके आता है या किसी पर्टिकुलर नर्सिंग होम की फार्मेसी में लेके आता है, तो इससे समझ में आता है कि आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, आपके संबंध लोगों से काफी अच्छे हैं। फिर कोऑपरेशन विथ कलीग्स, अब एक फार्मेसी में यदि मानने के लिए 10 से 12 लोग काम कर रहे हैं या 5 से 7 लोग काम कर रहे हैं, तो आपका एक दूसरे से कोऑपरेशन कैसा है। सपोज करो किसी को छुट्टी चाहिए तो आप ओवरटाइम कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, या किसी को कुछ जरूरत है तो आप उसके साथ एडजस्ट कर पाते हैं कि नहीं, आपका पर्टिकुलर कोऑपरेशन देखा जाता है यानी कि फार्मासिस्ट का। फिर बात आती है प्रोडक्ट नॉलेज, उसको प्रोडक्ट नॉलेज क्या है। प्रोडक्ट नॉलेज में 2 तरह की चीजें होती है, एक तो प्रोडक्ट नॉलेज में आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मानने के लिए जो आपका एंटीबायोटिक है या आपकी एंटी एलर्जी के, जो भी सेगमेंट है आपकी मतलब आपके जो फार्मेसी में जितने भी प्रोडक्ट्स है उनके बारे में आप कितना जानते हो, उनके कॉम्पिटिटर के बारे में आप कितना जानते हो, तो जितना भी नॉलेज है उसको देखा जाता है, उसके हिसाब से आपकी मार्किंग की जाती है। सेलिंग एबिलिटी, अब जब आपके पास कस्टमर आया है आप उसको किस तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आपके पास 10 कस्टमर आ रहे हैं उसमें से 8 कस्टमर वापस चले जा रहे हैं बिना खरीदे हुए, यानी कि यहां से सेलिंग एबिलिटी आपकी देखी जाती है कि किस तरह से आप प्रोडक्ट बेच रहे हो। ठीक है, सजेस्टिव सेलिंग, सजेस्टिव सेलिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आप सपोज करो कोई व्यक्ति आपके पास परफ्यूम लेने आया या आपके पास कोई प्रोडक्ट लेने आया है, वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आया, डायरिया का कोई पेशेंट है या कोई सपोज हम बोल सकते हैं लो बीपी वाला कोई पेशेंट आया, वो कुछ दवाई लेके गया, उसके साथ आप सजेस्टिव में और चीजें उसको क्या सजेस्ट करके बेच सकते हो, ये सजेस्टिव सेलिंग भी आपकी देखी जाती है। और सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फिर आप में देखा जाता है कि आपको एक चीजें पर्टिकुलर 15 दिन 20 दिन या महीने भर का बता दीजिए कि ये चीजें हैं इसको आप इस तरह से इम्प्रूव करो, तो आप अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट कितना कर पाते हो वो चीजें भी नोटिस की जाती है। उसके हिसाब से
गुड एवरेज और पुअर क्वालिटी में ग्रेड दी जाती है हर एक पॉइंट के हिसाब से अलग अलग, और फिर निकाला जाता है कि ये फार्मासिस्ट का पर्टिकुलर इवोल्यूशन किया जाता है 10 मार्क्स में से या 100 मार्क्स में से, जो भी उनका क्राइटेरिया रहता है, हर व्यक्ति का अलग अलग रहता है। फिर वहां से निकाला जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह का है, गुड फार्मासिस्ट है, एवरेज है हमारे लिए या पुअर है। अब इवोल्यूशन, आप फार्मासिस्ट की यदि बात करें तो ये क्यों जरूरी है? ये जरूरी जो एम्प्लॉयर है उसके लिए इसलिए जरूरी है कि जिसकी सैलरी इंक्रीमेंट की बात आती है, जो ध्यान रखना है ये हमारे काम का है कि नहीं, इसको निकालना है नहीं है, इसका इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंट करना है, कितने पैसे बढ़ाना है, इसलिए उसको फायदा है। आपके लिए, फार्मासिस्ट के लिए क्या फायदा है? आप जितना अच्छा काम करोगे उतना ज्यादा आपको इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको पूछा गया है कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। कंपनसेशन ऑफ फार्मासिस्ट में क्या होता है, आप देखेंगे जनरली जो मेडिकल स्टोर्स है या फिर हम बात करें कि जो फार्मेसीज है, वहां पर लोगों को रिटेन करना, किसी भी कंपनी में लोगों को रिटेन करना बहुत मुश्किल होता है। लोग तुरंत छोड़ते हैं, जहां थोड़ा सा ऑफर मिला जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना उसको बराबर पैसा दे ताकि आपके यहाँ वैकेंसीज ना हो, क्योंकि नया व्यक्ति आएगा उसको फिर सिखाना है, इसलिए पुराने व्यक्ति को आप रोक के रखे, ठीक है? तो ये सबसे बड़ा काम होता है। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि उसको इतना पैसा दो कि वो भाई उसके पूरे दिल से काम करे कंपनी। इसमें बहुत सारी चीजें होती है, क्या क्या चीज करते हैं, जैसे सैलरी उसकी क्या है, हाउस रेंट अलाउंस क्या दे रहे हैं, फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन दे रहे हैं देने रहे, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस दे रहे हैं कि नहीं, मेडिकल अलाउंस आप कितना दे रहे हो, ग्रुप इंश्योरेंस आप करा रहे हो, मेडिकल अलाउंस हर व्यक्ति को जरूरत लगती है कितना है। ग्रुप इंश्योरेंस में सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जब कंपनी का इंश्योरेंस होता है तो कम पैसों में ज्यादा लिमिट मिल जाती है। मानने के लिए आप यू इंश्योरेंस देने जाएंगे 2000 या 4000 रुपये जहां लगाते हैं, वो 500 या 600 रुपये में आपको 4 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा मंथली में। तो इसलिए मेडिकल जो ग्रुप इंश्योरेंस रहता है वो ज्यादा अच्छा है। तो ये बेनिफिट आप कितना दे रहे हो, ठीक है? फिर लीव ट्रेवल कंसेशन दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। जैसे बंदा कोई किसी दिन लीव पे है लेकिन लीव के बावजूद वो काम के लिए अगले दिन उसको काम करना है तो उसके लिए ट्रेवल कर रहा है, तो उसका क्या आप कंसेशन उसको दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। बोनस की क्या प्लानिंग है, किस तरह का बोनस प्लान है, तो फार्मासिस्ट आपके यहाँ रिटेन रहे या दूसरी जगह जॉब के लिए ना जाए। ट्रेवलिंग अलाउंस क्या है उसका, कितना ज्यादा दे रहे हो कितना कम दे रहे हो, ये सब चीजें जो रहती है ये होती है आपका कंपनसेशन टू अ फार्मासिस्ट। आप फार्मासिस्ट को किस तरह से रोक सकते हो, ठीक है? कुछ पॉइंट आपको देखना पड़ेंगे कंपनसेशन डिसाइड करते समय। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी मतलब आपको इतना इनफ अमाउंट उसको देना है कि वो उसकी सोशल जो लाइफ है और उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लाइफ के प्रति, उसकी फैमिली के प्रति, वो पूरी कर सके। ऐसा नहीं कि आप 2000 रुपये किसी को दे रहे हो महीने के, क्या कर पाएगा व्यक्ति आज 2000, 5000, 7000 में। तो आप इतना पैसा दीजिए ताकि वो अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सके, ठीक है? सिंप्लिसिटी होना चाहिए। जो आप कंपनसेशन दे रहे हो, जैसे हाउस रेंट दे रहे हो, आप जो जितनी भी चीजें दे रहे हो उसमें क्या होगा, आपके प्लान क्लियर होने चाहिए। उसको समझ में आए कि मैं इतने दिन काम करूंगा, ये चीजें मिलेगी, हाउस लोन मुझे इस तरह से मिलेगा, लीव का जो कंपनसेशन है वो इस तरह से मिलेगा, ट्रेवलिंग अलाउंस मुझे ऐसा मिलेगा। तो आप इजीली आपकी जो पॉलिसी है वो इजीली उसको बताओ फार्मासिस्ट को कि इस तरह से होता है। इंसेंटिव, अच्छे अच्छे इंसेंटिव प्लान आपको करना चाहिए। एक पर्टिकुलर सपोज करो आपने एक प्लान करा, आपकी फर्म के हिसाब से आपको प्लान करना है। कोई फर्म प्लान करती है कि मंथ में यदि किसी व्यक्ति ने 50,000 पर हेड ने 50,000 की सेल कर दी तो उसको इतने का इंसेंटिव मिलेगा। ग्रुप में यदि आपने 5 लाख या 7 लाख की एक महीने में सेल कर लिए तो आपको इतना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा। तो ये इस तरह के इंसेंटिव प्लान करना चाहिए जिससे उसको लगे कि मैं एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकता हूं और मैं यहां पर रुक के काम करूं। कोई विदाउट लीव लिए यदि काम करता है 1 महीने 2 महीने या 3 महीने तक तो उसको एक एडिशनल लीव मिले जो उसको एड हो जाए या कुछ एडिशनल इंक्रीमेंट मिले। फ्लेक्सिबिलिटी, आपके प्लान ऐसे फ्लेक्सिबल हो कि थ्रू आउट द ईयर कोई व्यक्ति अपना जो इफेक्टिवनेस है जो कमा सके वो जैसे मानने के लिए आपने इंसेंटिव प्लान करा और विंटर सीजन में आप कफ कोल्ड ज्यादा बिकेगा लेकिन समर में बिकेगा क्या, तो इन सब चीजों को मिला के आपका फ्लेक्सिबिलिटी प्लान तैयार कर रहे। प्रमोशन, प्रमोशन प्लान आपके इजी होना चाहिए, स्टेप फॉरवर्ड होना चाहिए कि ये इस तरह से आप रहेंगे तो आपका प्रमोशन होगा, ठीक है? और ये क्राइटेरिया आप फिल करते हैं, इतना सेल करते हैं या इतने टाइम के पंचुअल होते हैं, टाइमिंग से आते हैं, विदाउट लीव, हर चीजों का आपका एक क्लियर प्रोफार्मा होना चाहिए। तो उसको आपको पीरियोडिकल इंक्रीमेंट देना है उस बंदे को जो बराबर आपके यहाँ काम कर रहा है। यूनिफॉर्म अर्निंग, आपके प्लान ऐसा होना चाहिए कि जो फार्मासिस्ट है वो अपने आप को उसमें सेट कर ले और वो देख ले कि मैं इस तरह से ये मेरा पर्टिकुलर रहेगा, मैं 25 दिन काम करूंगा यानी 5 छुट्टी लूंगा, अदर छुट्टी नहीं लूंगा, इंसेंटिव मेरा इतना बन रहा है,
फिर मेरे को हाउस अलाउंस और मेडिकल अलाउंस इतना मिल जाएगा, और इसी के साथ मैं इंसेंटिव ये कमा लूंगा। तो उसकी यूनिफॉर्म अर्निंग उसको फिक्स रहेगी, उसको पता है कि 25,000, 30,000, 50,000 जो भी मेरी फिक्स इनकम मैं यहाँ से कमा सकता हूँ। तो ये हमारा जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग इवोल्यूशन एंड कंपनसेशन ऑफ अ फार्मासिस्ट। बैंकिंग सेक्टर का हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।